हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। कार्स तो हमने आपको बहुत सारी दिखाई, कार्स के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई। आज हम आपको एक 33,000 किलो का टीटी ट्रक यानी कि ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक दिखाने वाले। जी हाँ, इस कैटेगरी को बोलते हैं ट्रैक्टर ट्रेलर। अब ये साइज में अगर आप देखें तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आप इसके पूरे साइज के बारे में बात करें तो बहुत लंबा हो जाता है और ये हैवी लोड्स को कैरी करने में काम आता है। इसके नाम के बारे में बात करें तो भारत बेंज का 4023 ट्रक है, और इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाकी चीज़ों के बारे में बात करें। लेकिन वीडियो वाला स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी बेसिक आती है, भारत बेंज का लोगो यहाँ पर दिया गया है और बेसिक चाबी है। पीछे हल्के से ग्रूव दिए गए हैं और ये बेसिक चाबी है। चाबी में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, खास इस ट्रक के अंदर है। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे साइज़ का ट्रक आपको देखने में लगेगा, क्योंकि ये जो ट्रक है ये ट्रेलर ट्रक है, इसके पीछे एक ट्रेलर लगाया जाएगा। तो इसका जो व्हील बेस है वो 3300 mm का जो व्हील बेस है। फ्रंट में अगर देखें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट डिज़ाइन देखने को मिलता है। स्प्लिट मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा गैप दिया गया है ताकि जो हवा है वो अच्छे से अंदर जा सके और गाड़ी को ठंडा कर सके। अब पहले के ट्रक में होता क्या था कि यहाँ पर हेडलाइट्स आते थे, जिसकी वजह से जो आगे आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखें तो जो हेडलाइट्स है वो काफ़ी नीचे कर दी गई है। ये डिज़ाइन नया नहीं है, ये काफ़ी टाइम से यूज़ में किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर LEDs दी गई हैं और साथ में हेलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प दिए गए, इंडिकेटर भी यहीं दिया गया है। एक रिफ्लेक्टर बेस दिया गया, फॉग लैम्प अगर लगाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। अब ये जो बम्पर है ये मेटल का बम्पर है, लेकिन ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है। मेटल के बम्पर होने की वजह से यहाँ पर अगर आप इस हुक को खोलेंगे तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी चीज़ टो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रक है, मेटल बॉडी है, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और इसके ऊपर चढ़ के अगर आपको शीशा साफ करना है तो यहाँ पर चढ़ने के लिए फुट पेडल दिया गया है। इस पर पैर रख के आप इसको ग्रैब हैंडल को पकड़ के शीशा साफ कर सकते हैं। शीशा साफ करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ट्रक जो है वो लंबे टाइम तक चलता है, शीशा गंदा हो जाता है, तो ड्राइवर को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो है ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, बहुत ज़रूरी होता है फ्लैट हेड ट्रक के सामने, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, इस एंगल पर कोई खड़ा है, तो देखिए ड्राइवर कहीं से भी विजिबल नहीं हो पाएगा, और जिसकी हाइट छोटी है वो तो बिल्कुल विजिबल नहीं हो पाएगा और ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। साथ में अगर ड्राइवर टर्न ले रहा है तो टर्न लेते टाइम पर टायर जो है, बॉडी जो है, वो कहाँ पर जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया जाता है। अब ये जो है ये एक टाइम से सन ब्लाइंड कह सकते हैं, सन वाइज़र कह सकते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसको डायरेक्टली ये रोकता है, इसका ये काम है। फ्रंट में यहाँ पर भारत बेंज का लोगो दिया गया है, भारत बेंज यहाँ पर लिखा गया है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है एक्चुअली में। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो यार बहुत ही मैसिव ट्रक है। अगर आप देखें तो मेरी हाइट यहाँ तक आती है और इसको चढ़ने के लिए आपको दो स्टेप मिलते हैं, एक नहीं दो स्टेप यहाँ देखने को मिलते हैं। टायर का साइज़ है 295x90x20 और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 455 लीटर का आता है। अब फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर लॉक दिया गया है ताकि फ्यूल को कोई चोरी ना कर सके। यहाँ पर इसके सेंसर दिए गए, यहाँ पर बैटरी की प्लेसमेंट की गई, और ये जो टैंक आपको देख रहा है ये एड ब्लू है, जो कि इसको भी लॉक किया गया है, चाबी के द्वारा ही आप इसको खोल सकते हैं। बैटरी यहाँ पर दी गई है, जो एक्स्ट्रा स्टेपनी टायर होता है, स्पेयर टायर होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि जितने भी ट्रक ओनर्स होते हैं वो एक टायर से काम नहीं करते, वो दो तीन टायर और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि टायर अगर कहीं फट जाता है तो इस ट्रक को पार्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, साथ में पार्क करने के बाद मैकेनिक ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। अब पीछे टायर में पावर रहने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही इसके ऊपर ट्रेलर अटैच किया जाएगा, यहाँ पर अटैच किया जाएगा, तो इसके ऊपर वेट पड़ेगा, और वेट पड़ने के बाद फ़ायदा ये रहेगा कि जितनी पावर है उसको ग्रिप अच्छी खासी मिलेगी। अब आगे वाले टायर जो है वो मेरे को लग रहा है हाईवे टेरेन के टायर हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ टर्न लेना रहेगा, और पीछे वाला टायर जो है वो थोड़े अलग प्रोफाइल के टायर दिए गए हैं ताकि ग्रिप अच्छी खासी मिल सके। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बेसिक से हेडलैम्प्स। यहाँ पर प्रेशर ब्रेक्स की जो टैंक होती है वो यहाँ पर दी गई है, ये देख लीजिए प्रेशर ब्रेक्स का वो दिया गया है। सस्पेंशन यहाँ पर लीफ स्प्रिंग के हैं, कोई और सस्पेंशन कोई कामयाब नहीं रहने वाली यहाँ पर, इसलिए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही कामयाब होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हो यहाँ मिल रही है कि इतने सारे नट बोल्ट्स यहाँ पर एक्सपोज रहते हैं, बहुत ही मज़ा आता है मेरे को इन सब चीज़ों को देख के। मेरे को एक्चुअली में जो रगड़ व्हीकल्स होते हैं उनको देख के काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए ट्रक्स के मामले में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। रिफ्लेक्टर टायर की इस तरफ भी दिया गया है, उस तरफ भी दिया गया है, और लीफ स्प्रिंग का साइज़ देखिए आप, मेरा हाथ देखिए और लीफ स्प्रिंग का साइज़ देखिए। अब उस तरफ जो है वो फ्यूल टैंक है डीजल का, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एग्जॉस्ट असेंबली है, इसको कवर किया गया है, क्योंकि एक गाड़ी जब चलती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कीड़ा भी मर गया, इतना गर्म था। आगे भी लीफ स्प्रिंग दिया गया है, कोई भी एयर सस्पेंशन नहीं यहाँ पर। हाँ, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर ज़रूर दिया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर है, ये एक्चुअली में काम करता है, ये रिफ्लेक्टर दिया गया है, और इसका जो एयर इंटेक है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब मैंने आपको जो बताया था कि ये स्प्लिट डिज़ाइन के साथ आता है, यानी कि नीचे का हिस्सा अलग होता है, ऊपर का हिस्सा अलग होता है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर कंफर्ट है उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिया गया है।
वो दिया गया है ये, आप देख पा रहे हैं शॉकर्स, शॉक अब्जॉर्वर्स एक्चुअली में ये। तो जब होता क्या, झटके जब लगते हैं ना, तो यहाँ पर जो सस्पेंशन सिस्टम है वो थोड़ा इतना बढ़िया नहीं होता, बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो शॉक अब्जॉर्वर का काम करते हैं, और जो डब्बा है पूरा पूरा कैबिन है इसको कंट्रोल करते हैं ताकि झटका ज़्यादा महसूस ना हो। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो रियर व्यू मिरर है वो दो टाइप के दिए गए हैं यहाँ पर, एक बड़ा दिया गया है एक छोटा दिया गया है। अब ये जो छोटा है इसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ आता है ताकि नीचे जो टायर पास कर रहा है वो किस एंगल पास कर रहा है वो सब दिखाया जा सके, और ये जो है बड़े वाला ये पूरा पीछे तक देखता है कि कहाँ तक व्यू मिल सकता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एग्जॉस्ट असेंबली दी गई है जो केबिन से हवा निकालती है बाहर, और ये जो है ये रेड इंडिकेटर दिया जाता है ट्रक्स की हाइट को मेंशन करने के लिए कि ट्रक इतना ऊंचा चल रहा है। तो ये तो हो गया इसके एक्सटीरियर की बातें, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। इसमें तीन चाबियां आई हैं, देखिए ये जो है ये एड ब्लू टैंक को खोलने के लिए है, और ये जो चाबियां हैं ये तीन चाबियां ट्रक के लिए है। तो यहाँ से हमने ट्रक को खोला, तो ये ट्रक को खोल लिया। अब इसकी जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल रहती है, जी हाँ हाइट एडजस्टेबल है, और शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करती है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, और इस जो शॉक ऑब्जर्वर का मैकेनिज्म है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए सीट ऊपर हो जाती है, और इसमें कुछ नहीं करना मेरे को, ये ऑटोमेटिक होता सब कुछ। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऊपर कर दिया और ये सॉफ्ट साइड में है तो ये कंप्रेस होगा अपने आप ही, लेकिन अगर इसको मैंने हार्ड साइड में कर दिया तो ये बहुत ही कम कंप्रेस होगा। तो ये बहुत बड़े मैकेनिज्म है, और मान लीजिए आप एकदम से चाहते हैं कि आपकी सीट डाउन हो जाए, आपको ये सब मेंशन ना करना पड़े, तो ये पुल कीजिए आपकी सीट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, छोड़ दीजिए अपने आप चली जाएगी, लेकिन जब इसको बैठेंगे आप तो ये सीट ऊपर नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर ये ट्रक इतना ऊँचा है तो इसको चढ़ने के लिए भी यहाँ पर अच्छे खासे बार्स दिए गए हैं, पहला बार यहाँ पर पकड़ने के लिए, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पकड़ के चढ़ने के लिए बार दिया गया। अब आप कैसे भी चढ़ सकते हैं, यहाँ पर डोर ओपनिंग के लिए हैंडल दिया गया, और यहाँ पर बोतल होल्ड रख सकते हैं आप, 2 लीटर का बोतल आ जाएगा, मैगजीन वगैरह कुछ रख सकते हैं। अब ये जो है ये ट्रक पावर विंडो के साथ आता है, लेकिन जो बिना पावर विंडो वाला ट्रक है वो यहाँ पर आप वो जो घुमाने वाला सिस्टम होता है वो दिया जाता है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को अच्छी मिलेंगी इसमें, जो चलिए क्यों मेरे को पकड़े चढ़ना पड़ेगा, तो एक मिनट रुकिए यहाँ पर। यहाँ पर आप हैंडल पकड़ के भी चढ़ सकते हैं, पावर विंडो से कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर बाकी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये जो है ये क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन है, लिमिट को सेट करने का ऑप्शन है, और ये आई डोंट नो कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देखें तो पावर विंडो को डाउन करने के लिए जो पैसेंजर साइड है वो एसी कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पर फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन ऑफ़ करने का, हैजार्ड बटन को ऑन ऑफ़ करने का, और ये डीपीएफ को मतलब उसको अनक्लॉक करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी जगह दी गई है, यहाँ पर आप देखिए तो म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, और आप कुछ और लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह दी गई, स्पीकर दिया गया, लाइट दी गई है, ग्रैब हैंडल यहाँ होना चाहिए था बट नहीं है, उस तरफ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है, और यहाँ पर कर्टन भी लगाए गए हैं, यानी कि आप सीट को फोल्ड कीजिए, आपको सोना है तो कर्टन लगा दीजिए और सो जाइए बड़े आराम से। ये पैडल आप नीचे कर सकते हैं ये तो मुझे पता है, यहाँ पर कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं आता है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आना ज़रूरी है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये आता है। ये जो है ये लीवर सिस्टम है जो पीछे माने आपको जहाँ पर जो ट्रेलर लगता है, जहाँ पर ट्रेलर अटैच होता है उसको कंट्रोल करने का यहाँ बटन दिया गया है। सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई है लैप सीट बेल्ट, जिसको पीछे सोना है वो आराम से सो भी सकता है। ये वाला जो एरिया है ये ऊपर जो सन वाइज़र दिया हुआ है, सन ब्लाइंड दिया हुआ है, उसको देखिए आप कितना ज़्यादा ब्लॉक करता है लाइट को। उसके बाद अगर आपको लगता है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये सन को ब्लॉक कर दे। अब ये जो चीज़ है ये ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम है कि ड्राइवर को ड्राउजीनेस तो नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ये अलर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर एसी के वेंट्स दिए गए हैं दोनों तरफ, तो ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम लगाया कि ड्राइवर को भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिले। अब मान लीजिए ड्राइवर की हाइट जो है वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टीयरिंग व्हील है उसको यहाँ आप अनलॉक करके, यहाँ से आप अनलॉक करके स्टीयरिंग की हाइट मतलब कुछ भी सेट कर सकते हैं जो आपका कंफर्ट लेवल रहता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। हाँ, ये जो आप ब्लाइंड मिरर देख रहे हैं, ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर देख रहे हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है ड्राइवर को अगर यहाँ देखना है तो इस ब्लाइंड मिरर के थ्रू देख सकता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है कि नहीं। जब साइड में पैसेंजर जो को ड्राइवर है वो बैठा हो तो वो तो एग्जैक्टली बता देगा आपको कि यहाँ पर कोई बंदा है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आप ट्रक को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है।
चलिए नीचे उतर के बात करते हैं। उतरना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस ये किया और उतर गए। अब देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका, और यहाँ पर देखें अब एक हल्का सा रेड टेप लगाया गया ताकि रिफ्लेक्टर लगाया है, टेप नहीं एक्चुअली में, ताकि पीछे आने वाले लोगों को मालूम चल जाए कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ट्रक के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना, और ऐसे कोई और वीडियो भी चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप और कौन कौन से ट्रक्स की वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं हर स्टेट का रूल होता है कि उनके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप्स होनी चाहिए, इसलिए कंपनीज हमेशा लगा के भेजती है रिफ्लेक्टिव टेप्स। यहाँ पर देख लीजिए पूरे रिफ्लेक्टिव टेप्स लगे हुए हैं ताकि जब भी ट्रक चले तो मतलब विजिबिलिटी बाकी लोगों को हमेशा रहे कि यहाँ पर एक कमर्शियल व्हीकल चल रहा है। तो आपकी क्या राय है, ये ट्रक कैसा लगा आपको, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ में माई मोटर गाड़ी को फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।